हम अपने उन समस्त प्रमुख धर्म स्थानों को मुक्त करा करके रखेंगे जिन्हें आतंकवादियों ने ढहाया था, अपराधियों ने ढहाया था, लुटेरों ने ढहाया था। हम आजाद केवल अपने आप को मान लें और जो हमारे तीर्थस्थल हैं, देवस्थान हैं, उन्हें मुक्त ना करा पाए, वही तो हमारी आत्मा है, वही तो हमें ऊर्जा देने वाले क्रेंद है इस भूतल पर। यदि हम उनकी रक्षा नहीं कर सके तो हम किसकी रक्षा करेंगे? किसी के साथ गलत ना हो, इस्लाम धर्म के लोग एक नए सैकड़ों मस्जिद बनाना चाहे, उन्हें भूखंड सरकारों द्वारा दे दो अगर आवश्यकता पड़े, मगर एक भी ऐसे स्थान से समझौता मत करो जहां पर हमारे देवस्थानों को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई हो। उन्हें जरूरत बंद पड़ती है तो कानून बनाओ, हमारा संविधान इसकी इजाजत देता है कि अगर बेईमान सत्ताधारियों ने ऐसे कुछ कानून बनाए जिनके माध्यम से हिंदुओं का शोषण करना था, जो विदेशी ताकतों के गुलाम थे, भटके हुए इस्लामिक मुल्ला मौलवियों के गुलाम थे, अपनी सत्ताओं को बचाने के लिए ऐसे कानून बनाए कि जो जहां जैसा बना है वैसा रहेगा, तो बेईमानो तुमने गुलामी क्यों नहीं स्वीकार कर रखी? हमेशा अपने आप को भी आजाद ना कराते, गुलाम रहते। हमारी आजादी अधूरी है जब तक इस भूतल में हमारा कोई देवस्थान बंधक है। भगवान की हमें मुखर होकर के आवाज उठाने की जरूरत है कि हम अपने देवस्थानों को मुक्त करा सकें, उन्हें आजाद करा सकें, संगठित होकर के कार्य करने की जरूरत है, हिंसा के रास्ते से नहीं। हमारे पास बहुत बड़ी ताकत है, सरकारें वैसा करें, अगर नहीं करती तो उन्हें चेतावनी दो कि ऐसा ना हो कि बस चुनाव के समय एक दो झुंझुने पकड़ा दो, इससे काम नहीं चलने वाला। तीव्र गति से न्यायालयों के माध्यम से या तो फैसले आए या तो सरकारों को बाध्य करो आवाज उठा करके कि ऐसा कानून बनाया जाए जिससे कम से कम हम उन स्थानों को मुक्त करा सके, जिन स्थानों की रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने अनगिनत बलिदान दिए हैं, अत्याचारों को सहा है, उन्हें याद किया करो, किस तरह के क्षणों में उन्होंने अपना जीवन दिया होगा जब उनके धर्म स्थान तोड़े जा रहे होंगे, कितने लोगों ने अपनी कुर्बानी दी होगी, हम उन्हें भुला नहीं सकते। दुर्भाग्य से आजादी देने मिलने के बाद भी हमारे ऊपर वही मैकाले की शिक्षा पद्धति ला दी गई। अंग्रेज जाते जाते अपने चाटकार गुलामों के हाथों में, नेहरू जिन्ना जैसे लोगों के हाथों में सत्ता सौंप के गए जो अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजों के चाटकार थे, अंग्रेजों के हितैषी थे। सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों को नजरअंदाज कर दिया गया, सरदार पटेल जैसे लोगों को प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।